जैसे मोदी सरकार अब संसद स्टाफ के लिए नई ड्रेस डिजाइन करवा रही, बहुत संभव है कि आने वाले विशेष सत्र में, नई संसद में जब सत्र होगा, वहां संसद स्टाफ नई ड्रेस में नजर आएगा। नई ड्रेस में कमल का फूल है, खाकी पैंट है, इन सब से भी विपक्ष को दिक्कत हो रही है। पहले आपको दिखाता हूं कि संसद स्टाफ की नई ड्रेस है कैसी। जैसे संसद में तैनात पुरुष अधिकारी अब मरून रंग की नेहरू जैकेट में नजर आएंगे, उनकी जो शर्ट होगी वो भी गहरे गुलाबी रंग की होगी, जिस पर कमल का फूल बना होगा और खाकी रंग की पैंट होगी। पुरुष अधिकारियों के लिए मैरून रंग का बंद गले वाला कोट और खाकी पैंट। संसद में जो मार्शल होंगे उनकी ड्रेस भी बदल दी गई। मार्शल अब मणिपुरी पगड़ी पहने हुए दिखेंगे, सफेद कुर्ता पजामा और हल्के गुलाबी रंग की जैकेट में नजर आएंगे, जबकि पहले वो सफारी सूट में हुआ करते थे और साफा पहने रहते थे। सूत्र बता रहे हैं कि महिला स्टाफ के लिए पहले की ही तरह साड़ी ही यूनिफॉर्म होगी, वो लाल रंग की साड़ी में नजर आएंगे। अलग अलग चैंबर में जो पुरुष स्टाफ होगा उसकी ड्रेस कुछ इस तरह की होगी कि काले रंग की पैंट होगी, हल्के हरे रंग की नेहरू जैकेट और सफेद शर्ट। अलग अलग चैंबर में तैनात महिला स्टाफ के लिए गुलाबी और हरे रंग की साड़ी होगी। संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों की ड्रेस भी बदल दी गई है। अब ये सुरक्षा कर्मी सफारी सूट की बजाय सैनिकों की तरह कॉम्बैट ड्रेस पहने हुए नजर आएंगे। अब तक वो नीले रंग की सफारी में नजर आते थे। महिला और पुरुष सुरक्षा कर्मियों दोनों की ड्रेस बदल दी गई है। संसद के अंदर और संसद के बाहर जो सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे उनकी ड्रेस भी अलग अलग होगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो संसद स्टाफ की नई ड्रेस में कलर और पहनावे में काफी बदलाव हुआ है। जैसे पहले ज्यादातर गहरा नीला, हल्का पीला और चारकोल ग्रे, इस कलर का इस्तेमाल होता था। अब क्रीम, लाल, मरून, गुलाबी और खाकी कलर का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह साफा की जगह पगड़ी, सफारी सूट की जगह कुर्ता पैजामा इस्तेमाल किया गया। सूत्र बता रहे हैं कि नए संसद भवन के प्रवेश के साथ ही संसद स्टाफ की ड्रेस भी बदल जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने नए यूनिफॉर्म को डिजाइन किया है। ड्रेस ऐसी रखी गई है कि इसमें भारतीयता की झलक दिखे, इसलिए कुर्ता पैजामा को भी ड्रेस में जगह दी गई। हालांकि विपक्ष को इस बात से भी दिक्कत हो गई कि नई ड्रेस में कमल का सिंबल क्यों, मतलब कमल क्यों बना है। अरे भाई, कमल क्या सिर्फ बीजेपी का चुनावी चिन्ह है? और कहीं है ही नहीं दुनिया में कमल, भारत में और कहीं कमल नहीं होता है क्या? कमल मतलब सिर्फ बीजेपी है क्या? कांग्रेस और एनसीपी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी संसद का भी राजनीतिकरण कर रही है और अपने निजी एजेंडे के लिए संसद का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कमल का फूल ही क्यों, मोर या शेर का सिंबल लगाना चाहिए। मोर लगा देते तो कहते अरे मोदी जी ने मोर लगाया क्योंकि मोर के साथ दाना खिलाते हुए फोटो थी। शेर लगा देते तो कहते अरे मोदी जी ने शेर लगाया क्योंकि ये जो है भारतीय लोकतंत्र को आक्रामक बना रहे हैं। भाई शेर लगा था ना संसद भवन में नया वाला, उसमें कह रहे थे वो दहाड़ता दिख रहा है। अरे भाई, जब आदमी ने तय ही कर लिया कि विरोध करना है तो मोर लगाएं, शेर लगाएं, कमल लगाएं, विरोध तो वो करेंगे ही। एक बार कांग्रेस नेता राशिद अल्वी को सुन लीजिए। किस तरीके के सिंबल्स हैं ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कमल के फूल बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हम राजनीति नहीं करते, तो आप तो पार्लियामेंट के अंदर घुस के राजनीति कर रहे हैं। अगर इस तरीके से मार्शल पे कमल के फूल लगाए गए तो इसका विरोध किया जाएगा, इसकी मुखालफत की जाएगी। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि मार्शल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करे और 2024 के इलेक्शन का उनको मोहरा बनाए। तो मतलब अगर अंदर स्टाफ कोई ऐसी शर्ट पहन लेगा जिसमें कमल बना होगा तो लोग बीजेपी को वोट कर देंगे। लॉजिक देखिए जरा, इससे चुनाव प्रभावित होने लग रहा। गौर से नहीं देखिएगा तो पता भी नहीं चल रहा कि इसमें कमल बना होगा। क्या बोला जाए भाई। इंडिया गठबंधन के नेता भले ही सनातन को खत्म करने की बातें करें, लेकिन पीएम मोदी सनातन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि G20 के दौरान ग्लोबल लीडर्स का स्वागत जब किया गया था उसमें भी सनातन की झलक थी। पीएम मोदी जो भी काम करते हैं उसके जहन में, उनके जहन में देश का हित, देश की पहचान और देश की सांस्कृतिक विरासत सबसे ऊपर होती। जैसे दूसरे देशों के नेताओं को गिफ्ट देने की बात जब आई तो पीएम मोदी ने इस बात का ख्याल रखा कि कैसे इन गिफ्ट के जरिए भी भारत की संस्कृति को दिखा दें, भारतीय कला को दिखाएं, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाएं। G20 में पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को जो गिफ्ट दिए हैं उनकी अब बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने गिफ्ट के तौर पर विदेशी मेहमानों को जो वो चीजें दी हैं जो भारत की पहचान, दुनिया में भारत की पहचान बनने का हुनर रखती। ये देख के नहीं दिया कि फलाने जगह कांग्रेस की सरकार है, अरे यहां बीजेपी की सरकार है तो उस स्टेट का दे देते। सब भारत का है इसलिए दिया है।
पीएम मोदी ने G20 के आयोजन के जरिए खादी की भी ब्रांडिंग की और विदेशी मेहमानों को खादी की शॉल और स्कार्फ भेंट किए। देखिए, ये नहीं कहा कि अरे खादी गांधी जी से जुड़ा हुआ है और पुरानी बात है, कांग्रेस के जमाने की बात है, हम खादी नहीं देंगे। पीएम ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी की स्मृति में G20 स्टैंप और सिक्का जारी किया था। इसे भारत मंडपम में रिलीज किया गया। दोनों के डिजाइन में वसुधैव कुटुंबकम की थीम है। इसे नेताओं को गिफ्ट के तौर पर दिया गया। ये देखिए, वो तस्वीर दिखा रहा हूं। जैसे अगर आप देखेंगे, पीएम मोदी पूरे भारत में अलग अलग जगह पर जो चीजें मशहूर हैं उन्हें गिफ्ट के तौर पर विदेशी मेहमानों को दे रहे हैं, ताकि वो गिफ्ट के साथ साथ भारत की उस जगह को भी याद रखें। यहां कुछ खास मिलता है, उसकी चर्चा हो, उनके जरिए भारतीय प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो। जो विदेशी मेहमानों को पीएम ने गिफ्ट दिया है, मैं आपको डिटेल बताता हूं, सुनिए। बनारस की साड़ी भेंट की गई है, दार्जिलिंग की चाय पत्ती दी गई है, कश्मीर की केसर दी गई है, आंध्र प्रदेश की कॉफी, यूपी के कन्नौज में बना हुआ इत्र भेंट किया गया है और सबकी फोटो भी साथ में लगी हुई, देख लीजिए। कश्मीरी पश्मीना शॉल दिया है, सुंदरबन का शहद दिया है। यानी अगर आप देखेंगे, गिफ्ट के जरिए पीएम मोदी ने दुनिया के देशों को भारत भ्रमण करवा दिया। लेकिन यहां लोगों को विरोध ही करना है। खैर, आप छोड़िए इनका विरोध, G20 तो शानदार कर दिया भारत ने।